यूपी टेट और के सभी छात्र छात्राओं को देव क्लासेस का हार्दिक अभिनंदन। देव क्लासेस लगातार आपकी सेवा में तत्पर है। देव क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य है कि वह अपने माध्यम से अधिक प्रयत्नशील अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करवा सकें। देव क्लासेस यूपी टेट 2018 से संभावित सभी कोर्सों के नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो ऑडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। देव क्लासेस आपके सिलेबस को देखते हुए उन सारे टॉपिक को आपको प्रोवाइड कर रहा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो आपके पैटर्न के अंतर्गत हैं। आपने भले ही हमारी वीडियो को ना देखा हो या देखकर भी इग्नोर कर दिया हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा हर एक वीडियो सिलेबस के अंतर्गत है। और जो व्यक्ति टेट 2018 तक के सारे वीडियो को वॉच कर लेता है, 99% गारंटी है वो व्यक्ति एग्ज़ाम में ज़रूर पास होगा। लोग बड़े बड़े चैनल की ओर भाग रहे हैं, नोट्स किताबों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब इतना समय बचा नहीं अपने पास कि हम विस्तार से सारी चीज़ आपको बताएं या सारी विस्तार से पढ़ने के लिए आपको कहें। हम तो उस चीज़ों पे बात करेंगे जहाँ से आपका ये पेपर क्वालिफाई होना है। वो सारी वीडियो ऑडियो और नोट्स अपने पास उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप अपना नाम, एरिया का नाम और सब्जेक्ट लिखकर एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। चलते हैं आज के सिलेबस की तरफ। ये आपका सिलेबस है जिसमें से आपकी परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की है। आपके परीक्षा में बाल विकास और शिक्षण विधि जो एक अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये 30 नंबर का आएगा। भाषा फर्स्ट हिंदी ये भी अनिवार्य है, ये भी आपकी 30 नंबर की आएगी। भाषा सेकेंड में अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत, तीन में से आप किसी भाषा को चुन सकते हैं, वो भी आपकी 30 नंबर की है। अगली है गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि से संबंधित प्रश्न, जो आपके 60 नंबर के आएंगे। और कुछ खास इसमें, इस पर कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान देते हुए आपको करना है। सबसे पहले पार्ट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट के अंतर्गत है हमारा बाल विकास। इसकी विषय वस्तु क्या है, जो आने वाली है, जो आ सकती है, उस पर है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदगत विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। अगला है बाल विकास के आधार पर एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण इत्यादि। इसी के अंतर्गत है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, तो अधिक्रम के सारे नियम, अधिक्रम के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पेब्लॉ, स्किनर, कोहलर इत्यादि का जो भी है, ये सारे आपको तैयार करने हैं। अगला है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ जिसे उपगम बोलते हैं,
सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको। अगला समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, इसके अंतर्गत है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान प्रकार निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता। अगला समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। अगला है समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री, जैसे ब्रेल लिपि इत्यादि। ये सारी चीज़ें जिस छात्र छात्रा को चाहिए न्यू सिलेबस से, तो वो हमारे वीडियो के शुरुआत पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप अपना नाम, एरिए और जिस चीज़ की डिमांड है, नोट्स तो नोट्स और सिलेबस तो सिलेबस, वो आप लिख कर भेजिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसको हम लोग जल्दी चलते हैं ऊपर। अध्ययन और अध्यापन, ये दो चीज़ें और भी हैं इसमें, तो बालक क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएँ, प्रेरणा और अधिगम, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ये आपका फर्स्ट पार्ट से है, इसी ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें नोट्स और वीडियो के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास इनकी नोट्स नहीं हैं या आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे व्हाट्सएप पे अपना नाम, एरिए और क्या चाहिए आपको वो लिख भेजिए, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हमारा चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, नो डाउट। किसी भी तरह का हमारे पास पेड ग्रुप नहीं है जिसमें से आपको कोई भी पैसा पे करना पड़े, तो सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के, खुशी खुशी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। गाँव गाँव घर घर में ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि इस भारत के कोने कोने से वो हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके, ऑनलाइन क्लासेस का, जिसे इसकी ज़रूरत है। हमारा दूसरा पार्ट है भाषा, हिंदी भाषा है। इसके अंतर्गत में संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, वर्णक्रम, अव्यय के भेद, अनुस्वर, अनुनासिक, राग के विभिन्न रूप, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन लिंग एवं काल का उपयोग, तत्व देश सच एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय। इनमें से कुछ वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं टॉपिक वाइज, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्व, तत्सम, संधि, अलंकार, तो आप लोग इनको वाच कर सकते हैं। अगला है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें अधिकम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये सारे हम बाल विकास के अंतर्गत कवर कर चुके हैं वीडियो में। इन सारे को भी आप वीडियो के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहला है आपका अनसीन पैसेज, नाउन और उसकी प्रकार। प्रोनाउन और उसके प्रकार, वर्ब और उसके प्रकार, एडजेक्टिव और उसके प्रकार, और डिग्रियां, एडवर्ब और उसके प्रकार, प्रीपोजिशन और उसके प्रकार, कंजंक्शन और उसके प्रकार, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, एकवचन बहुवचन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंचुकेशन, सफिक्स विथ रूट वर्ड,
प्रेजल वर्ब यूज ऑफ समबडी नोबडी और एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, होमोफोन्स और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस और साइलेंट लेटर एंड वर्ड। ये था आपका तीसरे पार्ट के अंतर्गत में, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। और चौथा पार्ट हमारा ये रहा जिसमें सी उर्दू का दिया हुआ है, उर्दू के अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं। अगला हमारा संस्कृत भाषा का रहा, संस्कृत के अभ्यर्थी देख सकते हैं इसको, अपठित अनुच्छेद संधि अभ्यय समास लिंग उपसर्ग पर्यायवाची विलोम कारक अलंकार प्रत्ययवाच्य संज्ञाएँ सर्वनाम विशेषण धातु संख्याएँ, इतनी संस्कृत के अंतर्गत हैं। और इसमें कुछ और भी है जैसे भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, बोलने सुनने और बोलने की भूमिका। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्यक्ति की भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रमाणिकता, अध्यापन और उपचारात्मकता अध्यापन। चौथा है गणित एवं विज्ञान, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याएँ, पूर्णांक कोष्टक लघुतम और महत्तम समवर्तक, घनमूल वर्गमूल सर्व समीकरण, वर्गमूल और घनमूल की हमने ऐसी विधि वीडियो में दी है जिसे आप बड़ा से बड़ा घनमूल और वर्गमूल को मात्र 2 सेकेंड में हल कर सकते हैं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके आगे सर्व समीकरण, बीजगणित, बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएँ, चतुर्भुज की रचनाएँ, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएँ, वाणिज्य गणित, बैंकिंग सांख्यिकी सांख्यिकी, पाई एम दंड चार्ट, संभावना कार्तीय तल, क्षेत्रमिति और घातांक, ये सारी मैथ के अंतर्गत हैं। सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचार, शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। और विज्ञान में कुछ चीज़ें हैं उसे भी देख लीजिए आप, विज्ञान से क्या क्या आ सकता है। दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना का कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका निर्धारण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन लाभदायक पौधे, जीव में शोषण उत्सर्जन लाभदायक पौधे, मापन विद्युतधारा, चुंबकत्व, गति बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश संकटन, वायु, जल, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु तथा कार्बन एवं उसकी यौगिक। इसके अलावा सबसे लास्ट पार्ट में आपका है अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना, दृष्टिकोण, प्रेक्षण, अभिनवता, पाठ चर्चा सामग्री, मूल्यांकन और समस्याएं, ये सारी चीज़ें मैथ के अंतर्गत हैं। और सामाजिक अध्ययन वाले छात्रों के लिए है इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर भारत, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन, भारत में कंपनियों का राज्य विस्तार, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आ सकता है हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, हमारा प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात, सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य, इसके अंतर्गत भूगोल, भूगोल पे सारी बेसिक चीज़ें आपकी आ सकती हैं, सौरमंडल से, धरती से, उत्तर प्रदेश की खास चीज़ें और संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे इत्यादि। यहाँ तक कि आप कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है और पर्यावरणीय अध्ययन आपको पूरा कंप्लीट करना है।